हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जो है रोटेशन मोशन। इस लेसन से देखो, थ्री रिंग्स ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आर आर अरेंज एज शोन इन फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वाई वाई डैश विल बी। जैसे आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि तीन रिंग्स है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमें इनका अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। तो इसके लिए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पहले लिखेंगे आई सिस्टम, ओके इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहां पे तीन रिंग है, मैं यहां पे लिखूंगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो आई वन मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रिंग, आई टू इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड और आई थ्री इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड। तो लेकिन फर्स्ट रिंग के बारे में अगर देखते हैं, देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये फर्स्ट रिंग है और जो एक्सिस है ये ऐसे पास हो रही है, मतलब एक्सिस पास हो रही है थ्रू द डायमीटर। तो मुझे लिखना पड़ेगा इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, और इसकी वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर। हियर आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। प्लस सेकंड रिंग के लिए अगर देखते हैं तो सेकंड रिंग कुछ इस तरह से है और एक्सिस जो यहां से पास हो रही है, राइट मतलब ये जो एक्सिस है ये बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस से पास हो रही है, बट दिस एक्सिस इज इन द सेम प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के ही प्लेन में है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, जो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा प्लस वन बाय यूजिंग पैरेलैक्स थ्योरम। मतलब आई सफिक्स सी अगर ये है और आई सफिक्स ओ है, तो आई सफिक्स ओ की वैल्यू क्या होती है, देखो आई सफिक्स सी प्लस एम एच स्क्वायर, और यहां पे एच मतलब क्या है तो आर है, एच इक्वल्स टू आर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर थर्ड रिंग के लिए अगर देखे, थर्ड की भी सेम केस है जो सेकंड की थी, तो ये हो जाएगा थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर। ओके क्लियर है, ये समझना यहाँ पे जरूरी है। आई सफिक्स सी की वैल्यू क्या थी, ये थी आई सफिक्स सी की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। ओके सो डिनोमिनेटर सेम, हम लोग एक ही बार लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा वन एम आर स्क्वायर प्लस थ्री प्लस थ्री ब्रैकेट कंप्लीट एम आर स्क्वायर। हमने यहां पे क्या कर दिया, सीधा एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी सेवन एम आर स्क्वायर बाय टू। तो ऑप्शन में अगर देखें तो हमारा डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाता है। ओके okay?